नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेत्राम भारती है और मैं श्रेष्ठ लघु कथाएं बांचता हूं। तो आइए इस बार चलते हैं हम हरियाणा, हरियाणा के अंबाला शहर, जहां हम सुनेंगे वहां की एक उभरती हुई लघु कथाकार अंजलि सिफर की लघु कथा, जिसका शीर्षक है शन्नो। जी हां, शन्नो। तो आइए आनंद लेते हैं अंजलि जी की लेखनी का, सुनते हैं उनकी लघु कथा शन्नो। आइए। ओए नी गल सुन सन्नो, रोया ना कर हर वेले, हर वक्त तेरा एको ही रोना। मुझसे ना कोई बात नहीं करता, मैं किससे दिल की बात करूं। ओए ओए, हर वेले का ये रोना अच्छा नहीं, अब खसम से तेरी नहीं बनती, नहीं बेटे तेरी नहीं सुनते, नहीं और बहुए तुझे घर से निकालने को फिरती हैं। बेटे बहुओं की बात तू पति से नहीं कर सकती और पति की शिकायत तू बच्चों को नहीं लगा सकती। तेरी सब बात मान ले, सब मानी, सब चंगी बात तेरी, पर क्या इन बातों के लिए तू कूद जाएगी। ओए बात सुन, बात सुन, कुछ शुक्र करने को भी है तेरे पास कि नहीं। अरे कदे रब का शुक्र ही नहीं कर दी रब की बंदी, कदे रब का शुक्र किया कर। बात सुन, तू ना रोया ना कर, तू एक काम करी, तू मेरे पास आके मन दा सारा गुबार निकाल लिया कर। मैं सुनती हूं ना तुझको, किसी बाहर वाले को अपने जख्म दिखाने से कुछ नहीं होता। लोग ना उंगली लगा लगा के देखते हैं कि कितना गहरा है। मैं सुनती हूं ना तेरी हर गल, सुनती हूं ना। चल शाबाश, अब ना चुप करके घर जा, ठीक है, बहुएं तेरी देखती होंगी तुझे। और हां, रात के खाने की तैयारी कर। चल ते गल सुन, चंगे मन के साथ करी रोज की तरह। और बात सुन, औरत के हाथ का खाना ना परिवार की बरकत होता है। और मैं कह दें दिया, अब ना सोची छलांग लगाने का, ठीक है, बिल्कुल ना सोची छलांग लगाने का। ये कहते हुए तालाब में बनी शन्नो की परछाई उसे रोज की तरह चुपचाप आंसू पोंछकर जाते हुए देखते देखते पानी से ओझल हो गई। धन्यवाद।